नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ देखेंगे ई ग्राम स्वरोजगार पोर्टल के बारे में। अभी अभी 24 अप्रैल को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, विशेषता प्लस एग्जाम का पर्पज, दोनों हमारे सॉल्वआउट होने हैं। करंट के अच्छे क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो हम इसमें देखते हैं पहले क्या क्या है इसमें। कब लॉन्च हुआ था? 24 अप्रैल 2020 को, राइट। क्या था मौका? पंचायती राज दिवस था। किसने किया था? पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है ना। किसके द्वारा हुआ था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना, इसका उद्घाटन किया था। कार्य क्या है इसके? 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को जोड़ना है, ग्राम पंचायतों को, उनकी योजना बनानी है, उनपे किए गए खर्चों को ऐड करना है, प्रधान, सरपंच, पंच, पंचायत सचिव, हर एक की जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी, राइट। हर जानकारी एक जगह आपको मिल जाएगी, राइट। जीटीपी में प्रस्तावित हर गतिविधि में किए खर्च का विवरण, मतलब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, सब ओपन रहेगा। पंचायत की गतिविधियां, पंचायत की कौन कौन सी गतिविधियां होती है, कार्य का नाम, योजना का नाम, आवंटित धनराशि, चुने गए वित्तीय वर्ष के लिए आमदनी, कितना आया था वहां पे, व खर्च संबंधी सभी जानकारी, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, इस पोर्टल में क्या रहेगी? मौजूद रहेगी। ब्लॉक या जिला स्तर के प्रतिनिधियों के पास, जो ब्लॉक और जिला स्तर प्रतिनिधि बैठते हैं उनके पास भी इसकी मदद से अच्छी जानकारी हो जाएगी। वो सब कुछ जो पता करना होगा उसके लिए एक ऐप खोलेंगे तो मालूम कर लेंगे। सभी ग्राम एवं उनकी पंचायतों की मैपिंग होगी, ग्राम और ग्राम पंचायत क्या होगी, मैपिंग होगी। मैपिंग के बाद क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन कर देंगे, तो जिसे ऑनलाइन भी आप कहीं भी एक्सेस करके या देख सकते हैं, राइट। और ये जो जानकारियां होंगी सभी क्या होंगी, सार्वजनिक होंगी, मतलब आप कहीं भी हो इन जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, ये नहीं पर्टिकुलर यही बंदा करेगा इसकी जानकारी को। और भी कुछ छूटे हुए थे पॉइंट, जैसे जनगणना की पूरी जानकारी रहेगी, अंत्योदय मिशन सर्वेक्षण रिपोर्ट इस पे मौजूद रहेगी, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये। और आपके करंट के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रहेगा इसमें से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।